हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीना। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र लेके आई हूँ जिसकी मदद से आप अपनी किचन को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। और अगर आपके पास किचन कैबिनेट्स नहीं हैं तो भी इस ऑर्गेनाइजर्स की मदद से आप अपने किचन को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रोडक्ट है ये एक किचन यूटेंसिल रैक है, जिसे आप डिश ड्राइंग रैक के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। और ये काफ़ी बहुत अच्छे प्राइस में मुझे मिला था। काफ़ी छोटा भी है नो डाउट, तो उसके हिसाब से प्राइस किसी को ज़्यादा भी लग सकता है। तो इसमें आप देख सकते हो ये जो कफ होल्डर है, ऊपर जो प्लेट होल्डर्स है, एंड नीचे आप अपने जो बोल्स वगैरह या फिर नाइफ कुछ भी आप ऐसे रख सकते हो धोने के बाद, या फिर अगर आप किचन पे भी रख रहे हो तो इसमें रख सकते हो। और इसका वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, काफ़ी लाइट वेट है, तो आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हो कहीं। अभी आप देख सकते हैं मैं दो प्लेट्स यहाँ रख रही हूँ, तो इसमें जो दो प्लेट्स के बीच जो गैप होते हैं ये भी काफ़ी सही है, तो आप इसमें से इजीली प्लेट्स निकाल और रख सकते हो। एंड जो ग्लासेस है यहाँ पे फिट तो हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अगर छोटे कप्स वगैरह हम रखते हैं तो थोड़ा ईजी होगा इसमें रखने के लिए। जैसे ये आप देख सकते हो मैं कप्स वगैरह इसमें रखी हूँ, तो ईजीली आप निकाल सकते हो। एंड ये जो है एक्स्ट्रा कप होल्डर्स भी इसमें दिया हुआ है। हमारे जो डेली यूज़ के बर्तन होते हैं जो हम काउंटर टॉप पे चाहते हैं रखने के लिए, जैसे कप्स हो गए, कुछ प्लेट्स हो गए, तो उसके लिए आई थिंक बेस्ट प्रोडक्ट है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे बोल्स वगैरह भी आप रख सकते हो। ये प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। एंड हमारा जो सेकेंड प्रोडक्ट है ये एक थ्री टायर का किचन रैक है, जिसे हम स्पाइस रैक भी बोलते हैं। पर है तो ये स्पाइस रैक, लेकिन हम इसमें बहुत सारे चीज़ें अरेंज करके रख सकते हैं अपने किचन काउंटर टॉप के ऊपर, और अपने किचन को नीटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी मैं इसमें स्पाइस बॉक्सेस रखी हुई हूँ कुछ, और आगे की तरफ कुछ प्लांटर मैंने रखा हुआ है। तो इस तरह भी आप अरेंज करके अपने काउंटर टॉप के ऊपर इसमें सारे जो अपने जो रेगुलर यूज़ के जो स्पाइसेस होते हैं वो आप अरेंज कर सकते हैं। बट और एक चीज़ है, आप इसमें जो ग्लासेस होते हैं, हमारे जो पीने के पानी का ग्लास होता है, उसको भी बहुत आसानी से यहाँ पे अरेंज करके रख सकते हैं। उसका वीडियो मैंने नहीं लिया है, लेकिन आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो उसमें भी क्या होता है, आपको जो ग्लासेस इधर उधर आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, तो कैबिनेट के अंदर भी आप बहुत सारी चीज़ें इसमें अरेंज करके रख सकते हैं, जैसे स्पाइस बॉक्स हो गया या फिर कुछ दूसरे टाइप के कंटेनर्स हो गए। तो इसमें जो स्पेस है काफ़ी अच्छा है, और इसका जो क्वालिटी भी है काफ़ी मुझे सही लगा। तो एक बार आप अगर आपको चाहिए स्टेनलेस स्टील के कुछ सामान जो अपने किचन में आप यूज़ कर सकते हो, तो आप इसमें इसको ज़रूर ले सकते हो। मैं इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा। और इसको मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें तो मैं यूजुअली जो अपना स्पाइस कंटेनर होते हैं या फिर दूसरे वाले कंटेनर होते हैं वही रखती हूँ, लेकिन आप बहुत सारे बॉटल्स, पीने के जो पानी के बॉटल्स, उस ये भी अरेंज करके रख सकते हैं। एंड हमारा जो थर्ड प्रोडक्ट है ये एक चकला बेलन स्टैंड है, जो कि हम सभी के पास होना ही चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में हम अपना जो तवा होता है, चकला होता है, बेलन होता है, उसको रख सकते हैं। और इधर उधर कहीं भी रखने की हमें ज़रूरत नहीं है अगर हम इसको ले रहे हैं तो। इसको ऐसे ईजीली वॉल पर हैंग भी आप कर सकते हो, नहीं तो सिंपली अपने जो काउंटर टॉप होते हैं वहाँ भी रख सकते हो, किसी टेबल के ऊपर भी आप रख सकते हो, और अपना जो किचन है उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड नीटली उसको मेंटेन कर सकते हो।
तो इसका जो स्पेस है काफ़ी अच्छा है। देखिए मैं इसमें एक तवा रख रही हूँ, बड़ा सा तवा है, फिर उसके बाद मैं एक चकला रख रही हूँ, फिर भी काफ़ी दोनों के बीच गैप है, तो उसका जो स्पेस मुझे काफ़ी सही लगा। और एक ही जगह सारे सामान आपको मिल जा रहे हैं। जैसे कि मैं क्या होता है कभी कभी रोटी बनाती हूँ तो मुझे चकला है तो बेलन नहीं मिलता है, फिर बेलन मिलता है तो रोटी सेकने का तवा नहीं मिलता है। तो इस वे में अगर हम रख रहे हैं तो बहुत ही इजीली सब चीज़ें हमको मिल जाएंगी और किचन भी हमारा ऑर्गेनाइज एंड नीट रहेगा, जिससे कि हमको भी खुद को भी अच्छा लगेगा देखने के लिए अपना किचन कि काफ़ी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होके है ये। और इसका स्पेस जो कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसका स्पेस काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको स्टेनलेस स्टील का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना है या फिर पसंद आ रहा है वीडियो में, तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ पे मैंने सारे लिंक्स ऐड कर दिया है। और एक बार ज़रूर ये प्रोडक्ट आप चेक करिए, जो कि हमारे सबके किचन में ये तो होना ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से अरेंज करके अपना ये रखा हुआ है। एंड हमारा जो फोर्थ प्रोडक्ट है ये एक स्टेनलेस स्टील किचन स्टोरेज जार है, जो कि सेटअप टू में मैंने लिया था, एक 950 ml का एंड दूसरा 2250 ml का। इसका जो सिल्वर ग्लॉसी फिनिश है एंड जो मॉडर्न डिज़ाइन है ये आपके किचन में काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप इसको यूज़ करते हो। एंड इसका जो लीड है ये एक वुडन लीड है और ऊपर एक हैंडल दिया हुआ है जिसकी मदद से आप इसको इजीली ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। एंड ये मल्टीपर्पज़ स्टोरिंग के लिए काफ़ी सही है, लाइक इसमें आप शुगर, कॉफ़ी, टी पाउडर, कुकीज़ कुछ भी स्टोर कर सकते हो। एंड ये काफ़ी सारे साइजेस में अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको चेक कर सकते हो और ख़ुद के लिए ले सकते हो। एंड हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है ये काफ़ी यूज़फुल है हमारे किचन के लिए, इसको आप बहुत वे में यूज़ कर सकते हो, लाइक किचन काउंटर टॉप में भी यूज़ कर सकते हो एंड कैबिनेट्स में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये अगर आपके पास है तो आपके जो स्टोरेज प्रॉब्लम होते हैं ये सॉल्व हो जाएंगे। लाइक इसको आप देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा सेल्विंग यूनिट के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप इसको प्लेस करके अपने किचन काउंटर टॉप में ऊपर भी कुछ सामान रख सकते हो एंड नीचे भी जो स्पेस है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है ये हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है एंड रस्ट फ्री भी है, तो किचन में आप बेफिकर इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट वे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं मैं इसमें कुछ प्लेट्स रख रही हूँ, कप रख रही हूँ, एंड दूसरे वे में लाइक एक ट्रे के ऊपर बॉटल्स ऊपर रख के नीचे स्पाइस बॉक्स भी रख सकते हैं एंड किचन कैबिनेट में भी तो इसको यूज़ आप करते ही होंगे। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव ऑन माय प्रीवियस वीडियोस। अगर आपको कुछ डिफरेंट टॉपिक में वीडियो देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाने के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।